हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार ये वीडियो मेरी प्रीवियस सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग राधे टाइटल ट्रैक के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पेड रिव्यूअर्स के बारे में भी बात करेंगे, जो आजकल यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा हेट फैला रहे हैं और हद से ज़्यादा वो लोग ने गंद मचा रखी है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि भाई राधे के टाइटल ट्रैक को कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक्स मिले हैं। तो यार 9.3 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, 395K लाइक्स हो चुके हैं और 23K डिसलाइक हो चुके हैं। डैट मीन्स हमें इस टाइटल ट्रैक की तारीफ़ करनी पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि वो सारे बड़े यूट्यूबर्स आपस में बात करते हैं, क्योंकि ये लोगों ने ठान रखी है कि भाई जब भी कोई बॉलीवुड की मूवीज़ या कोई भी ऐसी बॉलीवुड के बड़े स्टार की मूवी आएगी जिसको ऑडियंस हेट कर रही है एट प्रेजेंट, उनकी सारी चीज़ों को उठा के सिर्फ और सिर्फ बुरा बोलना है, क्योंकि इनको अच्छे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं इस वजह से। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये एक ऐसी बंदी है जो किसी गिरगिट से कम नहीं है। ये कभी भी अपना रंग बदल लेती है, और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि भाई ये मूवीज़ पहली बार तो देखती नहीं है, और बहुत बार इसने ऐसे बड़े बड़े कांड किए कि एक दिन पहले ही रिव्यू डाल दिया और जमकर उसने उस मूवी की बुराई कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि ऑडियंस उस मूवी को पसंद कर रही है तो फौरन ही अपना वीडियो डिलीट कर देती है। और रिसेंटली इसने हद तब ख़त्म कर दी कि रामयुग का ट्रेलर आया था, और जैसे कि आप लोगों को पता कि हमारे देश में जो हिंदू भाई है उनकी आस्था है रामायण महाभारत, और जब भी कोई सीरीज़ या मूवीज़ बनती है तो जो हमारे हिंदू भाई होते हैं वो तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ करना बनता है भी, क्योंकि रामायण को जब भी हम लोग देखते हैं एक अलग ही जोन में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हो गया कि दीदी ने ये सोचा कि यार ऑडियंस बहुत पसंद करेगी और जम के वो लाइक्स मारेगी और व्यूज़ मिल जाएंगे, तो उसने वहाँ पर तारीफ़ों के पुल बांध दिए उस ट्रेलर के लिए। लेकिन सच बात यह है कि जो हिंदू भाई है या जो हमारे इंडियन ऑडियंस है वो इतनी तो समझदार है कि किस चीज़ को उनको सपोर्ट करना है, किस चीज़ को लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। और उस ट्रेलर में वाकई में VFX पैथेटिक था, एक्टर्स एकदम अजीब से परफॉर्मेंस कर रहे थे, और वो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि एकदम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सीरीज़ बनाई जा रही है, तो इसीलिए ऑडियंस ने उसके खिलाफ हो गई। लेकिन ये मैडम ने फुल जम के तारीफ करी और बाद में सुमड़ी में वीडियो डिलीट, तो ये इसकी सच्चाई है। और अब राधे की अगर बात करें तो इसने स्टार्टिंग में समझ गई कि सलमान खान के सब लोग खिलाफ है, तो उसने जमकर बुराई करना स्टार्ट कर दी। लेकिन धीरे धीरे जब उसके और सॉन्ग्स आए तो ऑडियंस को उसके सॉन्ग्स पसंद नहीं आ रहे, लेकिन सलमान भाई का जो फैन फॉलोइंग है, जो उनका क्रेज़ है, वो उनके वीडियो में साफ समझ में आता है कि जो लाइक के रेशियो वो हमेशा से ज़्यादा ही रहे राधे को लेकर, और जो डिसलाइक है वो कम है, क्योंकि ऑडियंस को चीज़ें पसंद आ रही है। इसने अब वो चीज़ भाप ली तो अब धीरे धीरे वो बोलते ना पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो तो मतलब आपसे बड़ा CP कोई नहीं है। और दूसरे है RK भाई, जो कि दुबई में बैठे, ये वो ब्लो है जो सलमान खान को ब्लो बोलते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली इनको और सलमान खान को अगर साइड बाजू बाजू में खड़ा कर देना तो ये सलमान खान से 20 साल बड़े लगेंगे, हालांकि ये सलमान खान से 9 साल छोटे हैं। अच्छा, ये वही है जो अपनी मूवी में भी ओवर एक्टिंग करके मरे थे, और अब अंदाज़ा लगा इन लोग की जो मैंटेलिटी है, ये लोग अपने आप को अच्छा बताने के लिए और ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बताओ राधे इस पर्टिकुलर टाइटल ट्रैक के लिए, फर्स्ट जब मैंने इस पूरे सॉन्ग को सुना तो सॉन्ग इतना कैची है कि आपका मन करेगा दोबारा से सुनने के लिए, और सेकंड सलमान खान का जो स्वैग है, सलमान खान का जो स्टाइल है, वो आपको ये सॉन्ग में देखने को मिलता है, और थर्ड सॉन्ग का जो थीम है, जो आर्ट डायरेक्शन है, काफ़ी हटके है, अलग है, और इस पर्टिकुलर मूवी को बिल्कुल सूट कर रहा है। सलमान खान उन एक्ट्रेस में से एक है जो डांस स्टेप्स होते हैं वो दूसरे एक्टर से बिल्कुल अलग होते हैं, और ये वही एक्टर है जिनके डांस स्टेप अगर कोई दूसरा एक्टर करे ना तो वो उस पर सूट नहीं होते। इवन ऋतिक रोशन भी अगर सलमान खान के डांस स्टेप करेगा तो वो ऋतिक पर भी सूट नहीं होगे। तो ये सलमान खान का अपना एक स्टाइल है जो ऑडियंस को पसंद आता है, हालांकि वो गणपति विसर्जन जैसा लगता है, लेकिन फिर भी ये भाई का स्टाइल है। और अगर राधे टाइटल ट्रैक पे अगर आप डांस मूव देखोगे सलमान खान के, तो वैसे ही है जैसे सलमान खान अपने हर एक मूवी में करते हैं, बस वो खड़े रहकर ही हाथ ही हिला देते हैं, और इसी को ऑडियंस पसंद करती है। और इसके भी कोरियोग्राफर वही है मुदस्सर, जिन्होंने सलमान खान के जितने भी जो प्रीवियस कुछ 8-9 साल से जो जितने भी हिट सॉन्ग्स आ रहे हैं वो वही बंदा कोरियोग्राफ कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि साजिद वाजिद जब भी सलमान खान के साथ मिलके या उनकी मूवी के लिए कोई भी एक सॉन्ग बनाते हैं तो वो सॉन्ग एक अलग ही लेवल का होता है। और अगर आप लोग राधे टाइटल ट्रैक सुनोगे तो ये सॉन्ग इतना कैची लगता है, और आप तारीफ करते थकोगे नहीं। जो लोग हेट फैलाना चाहते हैं, जिनके माइंड में सिर्फ गंद भरी है, तो उनको हर अच्छी चीज़ भी ख़राब लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, लेकिन जब मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, तो वहाँ पे पता नहीं शायद सलमान खान के हेटर्स थे या पता नहीं वो जेन्युइन फॉलोअर्स थे, उन्होंने
ब्लॉकबस्टर पे 34% वोट्स दिए, एवरेज के लिए 20%, फ्लॉप सॉन्ग के लिए 46%। और यहाँ पर वो ऑडियंस ज़्यादा जिनको ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग फ्लॉप है, तो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वो सॉन्ग है जो अगर थिएटर में प्ले हो जाता तो ऑडियंस डेफिनेटली इसको चेरिश करती, इंजॉय करती, मचा डालती, कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना ही मैं सलमान खान का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन बंदा है उसको फॉलो करो, जो पेड रिव्यूअर्स है, जो बस आपको सीपी बना रहे उनकी बातें मत सुनो। अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ये गाना ख़राब है, तो आप उसके सेवरल रीजंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन अगर फालतू में आपको कोई बड़ा यूट्यूबर बोला कि भाई उसको हेट करना है या उसकी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आप उस माइंड सेट से आ रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं कर सकते। तो यार मैंने तो आपको वो बताया ही नहीं कि भाई आजकल जो पीआर टीम है इन बड़े बड़े रिव्यूअर्स को पकड़ के रखी है, और उनके इशारों पे ये लोग मूवी को प्रमोट भी करते हैं, और उनके इशारों पे ये बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, और उनको इसके बदले अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर अभी तक बताई नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई नहीं है। जिस दिन मेरे साथ ये होगी, मुझे कोई ऐसे ऑफर आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके से गंदे मची हुई पूरी तरह से। तो यार बस इस वीडियो में इतना है, बाय।